अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम काशिफ शहजाद है और मेरा ताल्लुक अंदरून रावलपिंडी से राजा बाजार, मोती बाजार, बाड़ा मार्केट, फवारा चौक, इन बिटवीन वहाँ से है। और 14 अगस्त जब मैं छोटा होता था, जब मुझे घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं होती थी, वालिद साहब से गुजारिश करके झंडियाँ झंडे मंगवाए जाते थे, इंतज़ार होता था, मैं और मेरी बहन हम इंतज़ार करते थे शिद्दत से। और चूंकि 13 अगस्त की रात होती थी तो हम कोशिश करते थे उसी दिन वो सारा मामला जो है करें, एक दो दिन पहले नहीं, 13 अगस्त की रात को। क्यों? क्योंकि लाल हवेली भी पड़ोस में है, तो 13 अगस्त की रात को 12:01 पे आतिशबाजी फायरवर्क्स का इंतज़ार होता था। उसके साथ ही साथ हम झंडियों को ना लेवी के साथ धागे में लगा के गम के साथ पेस्ट करके उसको फिर घर के बैल्कनीज में सहन में बहन के साथ मिलके उसको लगाना, ये एक्साइटमेंट बड़ी कमाल की होती थी। तो इसके बाद जब मैं थोड़ा सा और बड़ा हुआ, घर से बाहर निकलने की इजाज़त मिली, दोस्तों के साथ बाहर जाने की इजाज़त मिली, तो गली से दूसरी गली में जाना, एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में जाना, ये देखना कि किस तरीके से बाकी हमारे दोस्त अहबाब, बाकी पड़ोस वाले जो लोग हैं, मोहल्ले वाले लोग हैं, किस तरीके से जश्न आज़ादी को मना रहे हैं। तो हम बाजे वगैरह लेके जाना और इकट्ठे दोस्त सेलिब्रेट करना। लेकिन बाजे की बात से मुझे याद आया कि देखिए, आपको बताता चलूँ कि हुल्लड़बाजी और सेलिब्रेशन में बहुत फ़र्क है। आप कोशिश करें कि सेलिब्रेट करें, हुल्लड़बाजी ना करें। और जब हम सेलिब्रेट कर रहे होते थे तो इंश्योर करते थे कि कोई झंडा कोई झंडी ज़मीन पे ना गिर पाए, तो उसका हम बहुत ख्याल रखते थे। आप भी ख्याल रखें कि कोई झंडा जिससे हमें हमारे वतन से मोहब्बत का इजहार करते हैं, जिस तरीके से हम सेलिब्रेट करते हैं, तो झंडा या कोई झंडी ज़मीन पे ना गिर पाए। 14 अगस्त आपको मुबारक। हम सब का रोशन पाकिस्तान, रोशन पाकिस्तान, रोशन।